तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। नमस्कार, आप पढ़ रहे हैं CRPC। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 6। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जाकर आप इसे देख सकते हैं। अध्याय 6 होने जा रहा है। हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ हैं का समन। जैसे आपके घर समन आता है तो समन किस लिए आता है? आपको इसलिए आता है कि आप आएँ और वकालत में जो आपके अपराध किया है उसको आप न्यायालय की समझ रखें कि हमने ये किया है ये नहीं किया है, तो समन इसके रूप में जाता है। आप देख सकते हैं हाजिर होने को विवश करने की आदेशिकाएँ हैं। धारा 61 इसमें पहला आता है, समन का प्रारूप। न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन लिखित रूप में और 2 प्रतियों में न्यायालय व अधिकारी द्वारा अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे उच्च न्यायालय नियम द्वारा समय पर निर्दिष्ट करें हस्तांतरित करें और उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होनी चाहिए। इसका मतलब जब आपको समन जाता है तो उस पर न्यायालय की मुद्रा मोहर लगी होनी चाहिए, तो वही समन ओरिजिनल होता है। हमारा धारा 62 में क्या है? धारा 62 में है, समन की तामील कैसे की जाए। समन आपके घर चला गया तो कैसे उसकी तामील करके उसको भेजा जाता है? तो प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार के इससे नियमित होता है उसे न्यायालय जिसने वो समन जारी किया उसे किसी अधिकारी या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाती है। यदि साध्य हो तो समन द्वारा किए गए व्यक्ति पर समन की तामील उसे संबंधी की 2 प्रतियों में से 1 परिदान करके व्यक्तित्व रूप में की जाती है। उसके बाद है कि प्रत्येक व्यक्ति है और उस पर क्या होता है भैया, समन जाएगा तो समन कैसे जाएगा? तामील होगी, यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो दूसरे प्रतिपृष्ठ के भाग उस पर रसीद सिग्नेचर करेगा तब होगा, ठीक है। कोई पुलिस अधिकारी द्वारा और ये नियम बनाया जाता है, उस न्यायालय के समन जारी किया जाता है, उस अधिकारी द्वारा लोक सेवक द्वारा किया जा सकता है और उसकी तामील 2 प्रतियों में 1 परिदान करके व्यक्तिगत रूप में दी जाती है, 1 आदमी को दी जाती है और 1 जमा की जाती है, 2 प्रति होती है। ये खास तो नहीं है, धारा 61 आपको मेन था कि किस तरीके से भेजा जाता है समन भेजा जाता है। निगमन निकाय की सोसाइटी द्वारा समन का तामील, किसी निगम के समन की तामील निगम के सचिव प्रबंधक अन्य प्रधान अधिकारी के तामील की जा सकती है या भारत के निगम के मुख्य अधिकारी के पते पर रजिस्ट्रित डाक के भेजे गए पत्र द्वारा की जाएगी। इस दिशा में तामील जब की जाएगी तब उस डाक के साधारण रूप में यह पत्र पहुँचता है। स्पष्टीकरण इस धारा के निगम के नियमित कंपनी अनिगमन निकाय के अभिप्रेत इसके अंतर्गत सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। अरे डाक से भेजा जाएगा तो क्या होगा, डाक ही के रजिस्टर होगा ना। अब हमारा धारा 64 है, जब समन किसी व्यक्ति को ना मिले सके वह तामील। जब कोई समन है व्यक्ति को ना मिले तब जहां समन किया गया व्यक्ति समवयक तत्पर बरतने पर भी ना मिले ऐसे में समन की तामील 2 प्रतियों में 1 उसके कुटुंब और उसके स्थान में रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास उस व्यक्ति के लिए छोड़ कर की जा सकती है। यदि तामील करने वाला अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है कि उस व्यक्ति के पास समन ऐसा छोड़ा जाए कि वह दूसरे प्रति के पृष्ठ भाग को उसके रसीद सिग्नेचर करा लेगा। स्पष्टीकरण सेवक इस धारा के अर्थ के कुटुंब के सदस्य नहीं है। तो क्या होता है कि भैया जब समन भेजा गया और व्यक्ति नहीं रहा तो उसके घर पर किसी को दे दिया जाता है और उसे सिग्नेचर करा लिया जाता है, ठीक है, उसके दूसरी प्रति पर। ऐसा होता है समन में अगर नहीं मिलता है तो। धारा 65 में क्या बताया गया, जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील न की जा सके प्रक्रिया। यदि धारा 62, 63, 64 के उपबंध रूप में तामील समय तत्पर बरतने पर भी ना की जा सके तो तामील करने वाला अधिकारी समन की 2 प्रतियों में से 1 उस गृह या वास स्थान जिसकी समन किया गया व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सहज दृश्य भाग में लाएगा और तब न्यायालय ऐसी जांच करने के पश्चात जैसा वह ठीक समझे वो घोषित कर सकता है कि समन के समय तामील हो गई और ऐसी रीति में नई तामील के आदेश दिए जा सकते हैं। किसी भी तरीके से तामील आपको पहुंचाना है, अगर आपके पास नहीं पहुंच रहा है तो आपके निवास स्थान सहज दृश्य भाग में लाया जाएगा और वहां पर रख के चला जाएगा। धारा 66 क्या कहता है कि धारा 66 है कि सरकारी सेवक का तामील, कोई सरकारी सेवक है जहाँ समन किया गया व्यक्ति सरकार की सक्रिय सेवा में हो वह समन जारी करने वाला न्यायालय मामूली तौर पर ऐसा समन दो
प्रतियों में से उस कार्यालय के प्रधान को भेजेगा जिसमें व्यक्ति सेवक है, और तब वह प्रधान की धारा 62 के उपबंधित प्रकार के समन का तामील कराएगा और उस धारा द्वारा अपेक्षित पृष्ठकरण सहित उस पर अपने सिग्नेचर करके उसे न्यायालय को लौटा देगा। ऐसा सिग्नेचर संयुक्त तामील का साक्ष्य होगा। उसके बाद धारा 67 स्थानीय सीमाओं के बाहर सीमा की तामील। जब न्यायालय चाहता है कि उसके द्वारा जारी किया गया समन की तामील के स्थानीय अधिकारियों के बाहर किसी स्थान पर की जाए, तब वह मामूली तौर पर ऐसा समन दो प्रतियों में मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी तामील की जानी या समन किया जाना व्यक्ति निवास करता है। ये हमारा धारा 68 है। ऐसे मामले जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो तब तामील का क्या होगा? जब न्यायालय द्वारा जारी किए गए समन की तामील किसी स्थानीय अधिकारी के बाहर की गई तब, और ऐसे किसी मामले में जिसमें अधिकारी जिसने समन किया या तामील के मामले की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है, मजिस्ट्रेट के समय किया गया तत्पीय या शपथ पत्र ऐसी समन की तामील हो गई हो जो समन की दूसरी प्रति जिसका उस व्यक्ति के द्वारा समन परिदत्त या निविदत्त किया गया है या जिसके पास वह छोड़ा गया है या जिसके पास वह छोड़ा गया था धारा 62-64 में उपबंधित प्रकार है, तब तक प्रतिकूल साबित न किया जाए इसमें किए गए कथन सही माने जाएंगे। और इस धारा में वर्जित शपथ पत्र दूसरी प्रति में संकलन किया जाएगा और उसे न्यायालय को भेज दिया जाएगा। अगर स्थानीय अधिकारी नहीं तो किसी दूसरे अधिकारी भेजेगा, उसका पूरा सबूत वबूत लेके भेजना पड़ेगा। उसके बाद 59 क्या है कि साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील। डाक अधिकतर समन द्वारा पुलिस के द्वारा भेजा जाता है। इस अध्याय में पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के होते हुए भी साक्षी के समक्ष समन जारी करने वाले न्यायालय ऐसा समन जारी करने वाले अतिरिक्त या उसके साथ निर्देश दे सकता है कि उस स्थान के प्रति व्यक्ति की तामील साक्षी के उस स्थान के पते जहाँ पर मामूली तौर पर निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलार्थ या स्वयं काम करता है रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जाएगा। जहाँ काम करते हैं घर हो किसी ऑफिस हो तो उस पते पर आपको डाक द्वारा भेजा जाएगा। जब साक्षी द्वारा सिग्नेचर जो होता है वो हो जाएगा अभी स्वीकृति कर दिया जाएगा और डाक द्वारा वो सिग्नेचर जो डाकिया आता है वो सिग्नेचर करा लेगा, हाँ मैंने ये जो समन भेजा गया इस व्यक्ति को दे दिया है और उसे सिग्नेचर कर दिया गया और वो न्यायालय में तामील को घोषित कर देगा, हाँ ये मिल गया है उस व्यक्ति को डाक द्वारा भेजा गया था। ये सब तरीके हैं व्यक्ति को बुलाने का। अधिकारी भेजेगा, न्यायालय भेजेगा, उस पर मोहर होनी चाहिए, डाक द्वारा भेजा जाएगा, पुलिस लेके जाएगी, कोई अधिकारी लेके जाएगा। तो इस तरीके से हमें समन भेजकर उस व्यक्ति को बुलाना होता है कि तुम्हारे ऊपर ये आरोप है, तुम्हारे ऊपर ये नोटिस गया है, अदालत में पेश हुई, अपनी सफाई दीजिए, ये सब होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। यह तारीख अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।